चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर घर घर अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को पहुंचाने में जुटे हुए हैं। चार चरणों का मतदान हो चुका है और कुछ ही घंटों में पांचवें चरण की वोटिंग होनी है, और इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। सपा प्रमुख ने ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर ताला लगाने की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए किया जाता है। एक इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि सीबीआई और ईडी बंद होनी चाहिए। लोगों ने अपने काले धन को सफेद कैसे किया, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आने पर इतना दूरगामी कदम उठाने के लिए तैयार होगी? यह मेरा प्रस्ताव है और मैं इसे इंडिया गठबंधन के सामने रखूंगा। केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने कहा कि आपको ईडी सीबीआई की क्या जरूरत है, अगर आपने धोखा किया है तो आयकर विभाग मौजूद है, हर राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेंसियों का इस्तेमाल केवल बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। अखिलेश के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। चुनाव के दौर में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता पहले ही सवालों के घेरे में है, और अब अखिलेश ने सत्ता में आने पर इन एजेंसियों को, जिन्हें आमतौर पर विपक्ष मोदी सरकार का हथियार बताता है, उसे बंद करने की घोषणा कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।